हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, एक बार फिर से हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। और इम्यूनोलॉजी की जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, जो 5 टाइप्स की होती हैं, IgM, GE, D एंड A, उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे एंड फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। तो गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। देखिए, एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीजन को कैच आउट करना या उन्हें एक्सपेल करना फ्रॉम आवर बॉडी। तो कहने का मतलब होता है, एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है कि ड्यूरिंग जब इंटरेक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, तो किस जगह पे एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग करती है। तो हम जानते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, तो इसमें दो टाइप की होती है ना, L2 H2 करके देख सुना होगा क्या आपने, कि दो लाइट चेन होती हैं और दो हैवी चेन होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है कि टू हैवी चेन, टू लाइट चेन या वन हैवी एंड वन लाइट चेन, तो जो करेक्ट आंसर है गाइस, उसमें आंसर आपका सी करेक्ट है कि वन हैवी चेन, मतलब H1। इस तरीके से अगर आप कहें, ये स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, तो इसमें एक हैवी और एक लाइट चेन के बीच में, मतलब कि एंटीबॉडी एंटीबॉडी के एंटीजन बॉन्डिंग साइट क्या प्लेस होता है, मतलब उसका साइट होता है जहाँ पर एंटीजन बाइंड करती है। तो ध्यान रखना है, वन हैवी एंड वन लाइट चेन, करेक्ट आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं, सीरम है। देखिए, सीरम जो होता है गाइस, उसके पास टोटल उसमें जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं वो होती हैं जितनी, 5 टाइप्स की। बट उसमें एक सिंपल सी बात आती है कि सीरम है तो उसमें IgM, IgG बोथ या IgE। देखो, इसमें जो जो मेन है IgM और IgG, ये आपकी सीरम में प्रेजेंट होती हैं, जबकि ये जो होती हैं एलर्जी IgE, इसकी जो कंसनट्रेशन होती है बहुत ही माइन्यूट सी होती है और ये स्पेसिफिक कंडीशन में सिक्रीट होती है। तो इसका जो होता है कि स्पेसिफिक टाइम, जब एक वैसी कंडीशन मिलती है एलर्जी वाली, जैसे अस्थमा या हे फीवर, तब ये रिलीज होती है, अदरवाइज ये नहीं होती है। तो सीरम में नॉर्मली बात कहें तो IgM और IgG प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज एस एंटीजन बट डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देखिए, सिंपल सा हम जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन, मतलब जो एंटीजन की तरह या कोई भी पैथोजन का टॉक्सिन, ठीक है, हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो एंटीजन तो होते हैं, बट उनके रिस्पांस में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो गाइस, इसमें से जो 3 ऑप्शन है आपके पास, हस्टेरा, हैप्टेंस एंड हिस्टोन्स, तो आप समझ सकते हैं गाइस, इसमें जो हैप्टेंस होते हैं वो उन्हें जाना जाता है कि ऐसे एंटीजेंस होते हैं जिनके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि हस्टेरा एंड हिस्टोन्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में बात करेंगे कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में देखें, एंटीबॉडी ही इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, सिंपल हम ये कह सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन, एंटीबॉडीज सेपरेटेड फ्रॉम सीरम आर होमोजेनस। देखिए, सीरम के साथ अगर उन्हें हम करेंगे तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो होमोजेनस नहीं होंगी। मगर एंटीबॉडी अगर हम सीरम से सेपरेट करके देखें तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर होती है, होमोजेनस सब्सटेंस होती हैं। नाउ ऑप्शन बी में, ए पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड ए कट, मतलब किसी को निशान लग जाए, कट जाना, एंड इज ब्लीडिंग नीड्स टू गिविन ए एंटी टेटनेस ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही बात है गाइस, आपने देखा होगा लोकल्स में कोई चाकू वगैरह ऐसे कट जाए तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, इंक्लूडिंग अगर हम जमीन पे गिर के भी अगर थोड़ा सा डैमेज हो जाए और हमारी बॉडी में ब्लीड होने लगे, तब भी डॉक्टर जो होता है टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, आप दूसरा स्टेटमेंट देखें, थर्ड, एंटी टेटनस इंजेक्शन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी बाई प्रोवाइडिंग एंटीबॉडीज फॉर टेटनस। बिल्कुल सही बात है, इसी तो लगाता है। तो पहला पॉइंट भी सही है, थर्ड सेकेंड भी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाई प्लाज्मा सेल्स। बिल्कुल सही बात है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाई प्लाज्मा सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी वेल डेवलप्ड फॉर इफेक्टिव एंटीबॉडी सिंथेसिस, मतलब एक हमारा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारे एक सेल के अंदर जो ऑर्गेन्स होते हैं, उनमें से कौन ज़्यादातर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इफेक्टिव एंटीबॉडी सिंथेसिस। देखो, आपने एक बात देखा होगा, ये सब जो है सिक्रीशन होता है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी, जैसे एंटीजन एंटी जो ग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन ए ए बोलते हैं, जैसे IgA, तो उसका एक सिक्रेटरी फॉर्म क्या होता है, सिक्रेटरी IgE बोलते हैं उसे। ठीक है, इसी तरीके से सिक्रीशन इज मेन फंक्शन। अगर हम अपने सेल ऑर्गेनेल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, जैसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वो क्या करता है, स्मूथ है तो प्रोटीन का और वैसा कहते हैं ना लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका रेस्पिरेशन में काम करता है,
और आपका वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज में काम करता है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट उसमें। इसके अलावा जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक की जो बेसिक सेल्स होती हैं उन पे स्पेशली राइबोसोम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स पर स्केटर्ड होते हैं। और इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। तो रफ वाला जो होता है उसका मेन काम सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ सेल्स में पार्टिसिपेट करना होता है, और ये जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन से जो एंटीबॉडीज होती हैं वो सिक्रेटरी नेचर सिक्रीट होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, इन एवरी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वन कैन लोकेट। देखिए, इन एवरी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, हर एक अगर वो एंटीबॉडी है उसमें कोई भी वन का मतलब कोई भी साइंटिस्ट कैन लोकेट, एक पार्ट जरूर होगा। जैसे इपिटोम नॉट कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाई एनर्जी रीजन्स इसकी भी पॉसिबिलिटी दोनों में है, एन एटीपी एक्टिव एरिया ये भी, बट एक जो होता है हमने बताया ना सीडीआर या हाई वेरिएबल रीजन, तो इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल रीजन। गाइस ये वाले रीजन जैसे हम देखते हैं ना, ये वाला जो रीजन्स होता है, ये वाला रीजन जो होता है सब में होता है, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल रीजन्स। तो ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन जो होते हैं वो हर एक एंटीबॉडी में इनकी पोजिशन होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, दी लाइट चेन एंड हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी आर ज्वाइंट टूगेदर विद द हेल्प ऑफ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन गाइस, देखा अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, जैसे हम एंटीबॉडी को इस तरीके से बनाते हैं तो इनकी इस तरीके से ये चेन्स होती हैं, ठीक है, ये लाइट चेन हो गई, ये हैवी चेन्स हो गई, तो इनके बीच में जो बाइंडिंग्स होती है वो कौन सी होती है, ये हैवी और लाइट चेन के बाद। तो सिंपल से इनके अंदर सल्फाइड बाइंडिंग होती है, तो यहाँ पर जो एस एस बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। तो करेक्ट आंसर आपका 7 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं कि ईच इम्यूनोग्लोबिन हैज़ टू हैवी चेन्स एंड टू लाइट चेन। बिल्कुल सही बात है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि इनका जो मॉलिकुलर बनाते हैं तो H2L2 बनाते हैं, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंटेड। देखिए, इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था मगर वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आंसर क्या है यहाँ पे, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन। देखिए, दोनों का पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का पार्टिसिपेट है, ना कि ओनली लाइट ना ओनली हैवी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, द इम्यूनोग्लोबिन डाइसल्फाइड्स नॉट डू नॉट ज्वाइन। देखिए, आपको बताया कि लाइट चेन और हैवी चेन को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कहाँ पे ये बॉन्ड काम नहीं करते, चार प्लेसेस हैं, लाइट चेन विद हैवी चेन बिल्कुल सही है, टू हैवी चेन टू लाइट चेन, ऑल ऑफ द अबव। देखो, ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है, और इस वजह से क्योंकि हमें इसमें कन्फर्म है। अब दूसरा पॉइंट है, तो फिर इसमें से भी एक ऑप्शन ठीक है, हमें बस एक ऑप्शन निकालना है जहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, टू हैवी चेन को आपस में जोड़ने में या टू लाइट चेन को आपस में जोड़ने में। तो गाइस, करेक्ट आंसर आपका है सी, मतलब दो लाइट चेन आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ी होती हैं। देखिए, लाइट चेन और हैवी चेन भी डाई सल्फाइड के थ्रू होती हैं, जुड़ी होती हैं, और दो हैवी चेन आपस में एक दूसरे के साथ डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं। बस दो लाइट चेन, प्योरली लाइट चेन जो होती हैं वो डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब है, द इम्यूनोग्लोबिन डाई सल्फाइड डू नॉट ज्वाइन, तो दो लाइट चेन को ज्वाइन करने में उसका कोई रोल नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया गाइस, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज मोस्ट कॉमन टाइप। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 100% क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। इन विच आर दी फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्ट कॉमन टाइप का मतलब कि सबसे ज़्यादा सिक्रेशन हो, कॉमन वही होता है जो सिक्रेशन जो मतलब ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो सबसे ज़्यादा सिक्रेट कौन सी होती है, आपको एक पूरा ब्रीफिंग आइडिया हम दे चुके हैं कि आपकी जो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं, तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन जो न्यू नैनेट में बनती है, नए जो बच्चा पैदा होता है उसमें बनती है, वो IgM होती है। पता, आप अपनी खुद में वो IgM बनाता है, जबकि उसे मदर से कौन सी मिलती है, IgG मिलती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, देखिए उसके अंदर होती तो जी है क्योंकि वो मतलब मदर की होती है ट्रांसफर, वो खुद में अपने सेल्फ में बनाता है IgM। खैर, क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, सबसे कॉमन टाइप, कॉमन टाइप का मतलब वो होगी जिसका सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो 80% जो सिक्रेट होती है वही कॉमन होगी, और इसका करेक्ट आंसर होता है IgG जो होती है, मतलब जो उसे मदर से मिलती है वही उसके अंदर सिक्रेट होती है, मगर वो बाद में सिक्रेट होना स्टार्ट होती है, पहली एंटीबॉडी जो बनाता है वो इम्यूनोग्लोबिन वो IgM होती है। बट कॉमन की अगर हम बात करें तो वही आपका IgG, मतलब जो मदर से फर्स्ट टाइम मिलती वही वाली वो बाद में सिक्रेट करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन टाइप की है IgG। करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए। इसके बाद बताते क्वेश्चन नंबर 11 में, इन विच आर द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन हैविंग लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। अगर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट की बात करते हैं तब कौन सा आपका आंसर होगा, तब भी यही आंसर होगा कि देखो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये मदर टू फीटस में ट्रांसफर होती बाई फीटस के बाई प्लेसेंटा, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग यहीं से हो गई और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, और सबसे ज़्यादा सिक्रीशन भी इसी होता है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, तभी हमारी बॉडी इसे सिक्रीट करती है ज़्यादा ज़्यादा कंसनट्रेशन में। तो IgG करेक्ट आंसर है यहाँ पे 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने कई सारे क्वेश्चन आपको एक साथ इन्वॉल्व कर दिए हैं, जिससे आपको बहुत सारे फंक्शन एक साथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज ओल्डेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, मोर इफेक्टिव देन अदर, दूसरी जो पाँच बचे हुए चार किलो उनसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो इनका एक मेन फंक्शन होता है, तीन फंक्शन में से उसे एक्टिवेट भी करती है, ठीक है। तो ये कौन सी आपके एंटीबॉडी, देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखो भाई, जो लार्जेस्ट से का ध्यान रखो, लार्जेस्ट की बात करो तब आपका आंसर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये कौन सी होती है जो सबसे बड़ी भी होती है, मतलब एम, ठीक है, IgM। और इनके चार फंक्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव भी होती है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में भी मदद करती है, मेडिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है। देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया, सिक्रेटरी वाला जो आंसर था बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए सिक्रेटरी जो IgA होता है आपको आंसर बता दें, और इसका जब ये सिक्रेट होती है तो इसका नाम ही हम रख देते हैं सिक्रेटरी IgA, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ए ना। क्वेश्चन नंबर 12 में 14 में बात करते हैं, इन विच इम्यूनोग्लोबिन हैविंग द ज्वाइनिंग चेंजेस इन जे चेन बोलते हैं, किन किन, ये सब में नहीं पाई जाती है, कुछ में पाई जाती है। देखिए आपको बता दें, पांच जो इम्यूनोग्लोबिन होती है उनकी तो तीन की शेप तो ऐसी होती है, बाई शेप नॉर्मल सी शेप होती है, और एक की पेंटामेरिक होती है और एक की मोनोमेरिक होती है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी है, ये देखिए आपकी जी है, डी है और ई है। अब बचा कौन सा, ए बचा और एम बचा, तो एम तो हो गई पेंटामेरिक, ठीक है, और ए जो हो गया वो मोनोमेरिक, ओके। अब बात करते हैं, कह रहा है इन विच आर द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन हैविंग ज्वाइनिंग जे चेन, तो जे चेन जो होती है वो इन दोनों में होती है, ए में और एम में, ठीक है। देखिए वही करेक्ट आंसर आपका निकल आया, सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ 14 का सी ना। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाता कौन है हमारी बॉडी में, कौन सी, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने देखा लिम्फोसाइट टी और बी, बी और टी ये दो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबिन आर सिंथेसाइज इनसाइड, वही बात है सिंपल सा जो भी बात बोली, गामा इम्यूनोग्लोबिन जो गामा ही होती है वो सब वो कौन बनाता है, लिवर, किडनी, बोन मारो, उसके अंदर जो बी और टी सेल्स होती हैं, लिम्फ या लिम्फ नोड का, देखो बोन मारो RBC, जो लिम्फ और लिम्फ नोड का जो ऑप्शन होता है ना, ये हमारी गामा इम्यूनोग्लोबिन बनाती है, क्योंकि ये एंटीबॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले। पहला पॉइंट है IgE प्रोड्यूस इन एन एलर्जिक रिएक्शन, देखो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान ही बनती है, सीरम में नहीं होती, और ये एक रिएक्शन बनाती है जिसका नाम है गाइस PK रिएक्शन, जिन्हें डिस्कवर करा था सोइलिंग एंड रेड रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, वाइट एंड फ्लेयर रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, और ये इनके डिस्कवरर के नाम पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, PK रिएक्शन का संबंध भी IgE से है, जो इम्यूनोग्लोबिन ई है, और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान बनती है, जैसे हे फीवर, अस्थमा वगैरह होता है तब। दूसरा बी लिम्फोसाइट मीडिएट ह्यूमरल इम्यूनिटी, बिल्कुल सही बात है, सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है वो नहीं, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो बॉडी फ्लूड्स के थ्रू मिलती है उसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, और वो बी लिम्फोसाइट के थ्रू दीजिए, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है स्पिलिन, जो हमारा पीलिया होता है, एकृत हिंदी में बोलते हैं, इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी है। और डी है ई, जो एंटीबॉडी ई होती है हमारी, अटैच टू सरफेस ऑफ बेसोफिल और मास्ट सेल के, उससे मतलब अटैच रहती, जो आगे चल के इन्हीं सेल का डीग्रेनुलेशन स्टार्ट कर देती है, जिससे कि बहुत सारे सबस्टेंस बनते हैं जो डिफेंस एलर्जिक रिएक्शन में, जो स्पेशली इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग करने में हेल्पफुल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि इनकी सेल से अटैच होती है और बाद में इनका डीग्रेनुलेशन स्टार्ट करती है, जिससे बहुत सारे नेचुरल किलर सबस्टेंस बनते हैं। और ई स्टेटमेंट ऑल ऑफ दी, सो करेक्ट आंसर आपका लास्ट है ई। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन विच टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन इन एंटीबॉडी, देखो इससे पहले भी आया था, अब इनने देखो पहले चेन की बात करी तो दोनों चेन, एक एल और एक एच, ठीक। अब इनने कहा कि टर्मिनल कौन सा होना चाहिए, देखो वहाँ पर लाइट चेन और हैवी चेन दोनों को इन्वॉल्व करा था, मगर यहाँ पर अगर हम टर्मिनल की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, सी टर्मिनल होता है, सी का मतलब बेस वाला, और सी का मतलब होता है एसिड वाला, और एन का मतलब होता है बेसिक वाला टर्मिनल, ठीक है। तो जो NH2 ग्रुप वाला टर्मिनल होता है, एक दूसरा वाला आपका COH वाला होता है, ये तो है ना एसिड और बेस वाला। तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा होगा केवल सिंगल एंड टर्मिनल, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, द बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडी टू द एंटीजन टू प्रोड्यूस लार्ज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज नोन है, देखो सिंपल सी बात है, वो तो एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, मगर जो लार्ज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या कहलाता है, एग्लूमिनेट कहलाता है, या एग्लूमिनेशन की प्रोसेस होती है। द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू द एंटीजन टू प्रोड्यूस लार्ज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है एग्लूटिनेशन, ठीक है, और उसके बाद बनता क्या, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, एंटीबॉडीज
आर ऑफ विच क्लास ऑफ प्रोटीन, जो एंटीबॉडीज हैं वो किस क्लास की प्रोटीन से, मतलब स्ट्रक्चरल होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, एंजाइमेटिक होती हैं गाइज, वो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। सिंपल सा आंसर है, वेरी सिंपल। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन क्लास प्रोड्यूस इन, देखो हमने शुरू में जो बात बताई थी वही हम पर बता रहा है एक बार, कि जो आपका बच्चा सबसे पहले अपने लिए बनाता है, अपने आप से बनाता है, आईजी जो जी है गाइज वो तो उसे मदर से ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी नहीं, उसे मदर से मिलती है अपनी, अपने आप से वो अपनी सेल्फ डिफेंसिव सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी सिक्रिएट करता है, वो आपकी आंसर होगा आपका IgM। हमारे लिए पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं एक बार, विच इज़ फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन क्लास प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन एंड आल्सो फर्स्ट टू बी सिंथेसाइज इन यूनिट। एक इंपॉर्टेंट बात कि जब एंटीजन से उसका इंट्रैक्शन होता है सबसे पहले कौन सी बनती है एंटीजन, एंटीजन M बनती है, और जब एक बच्चा अपने भी यहाँ पर पहली जो एंटीबॉडी सिक्रिएट करता है वो भी IgM होती है। करेक्ट आंसर आपका ए, और गाइस दीज आर दी आंसर की लिस्ट है, आप इसे भी चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।